साथ सातवें सुब्रमण्य चषक में हमने जो ग्राउंड सजा है वो सिर्फ सजाने का कारण एक ही है कि रबर बॉल या टेनिस बॉल से खेलने वाले जो बच्चे लोग हैं आजकल गली में ज़्यादा खेलते हैं, उनका ग्राउंड नहीं होती है। तो ये सब माहौल दिखाने के लिए कि टेनिस क्रिकेट खेलेंगे तो ऐसे माहौल में भी खेल सकता है, ऐसे ग्राउंड पर भी खेल सकता है जिसका नाम IPL के IPL से जुड़ा है। IPL के उनको तारीफ की जाती है कि IPL जैसा है, ऐसे मैदान पर खेलने के लिए उनको और आगे आने के लिए हम लोग प्रोत्साहन देने के लिए इतना बड़ा टूर्नामेंट ऐसे मैदान में कर रहे हैं। मैं तो जन्म से शिवसैनिक हूँ, वो जो भी है हमारा शिवसेना की तरफ से है और शिवसेना की वजह से ही है। भाई साहब के नाम से टूर्नामेंट है और इसको 7 साल पूरे हो चुके हैं। दुर्भाग्य से भाई साहब हमारे बीच में है नहीं है, लेकिन आदित्य साहब और उद्धव जी हमारे साथ में हैं और ये टूर्नामेंट में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनका बहुत बड़ा सहयोग है और उनके मार्गदर्शन से हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। आज जो भी टीम खेल रही है, अभी फर्स्ट मैच जो खेल रहा है, जो विनर टीम है, जो विनर टीम लास्ट ईयर चैंपियन थी सुप्रीम चेसर की, और दूसरा जो है ब्रह्मा बॉल्स, ये मुंबई की टीम है, दोनों के बीच में मुकाबला होने वाला है। अगर लास्ट ईयर का चैंपियनशिप कायम रखना है तो फर्स्ट राउंड उनको मारना है और उनके सामने ब्रह्मा शिवशक्ति पाले जैसी दोनों टीम की एक टीम बनाई हुई टीम है, इसके लिए उनको भी एक चुनौती है। देखो जो लोग जो बच्चे लोग ग्राउंड में खेल नहीं सकते उनके लिए ऐसा ग्राउंड मिलना बड़ी बात है और वही तो मेरा उद्देश्य है कि छोटे छोटे बच्चे लोग ये क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट से जुड़े जाए और जुड़ा रहने के लिए उनको ये माहौल तैयार कर देना जरूरी है। जो एक समय लोगों को विश्वास होता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, ऐसे भी ग्राउंड में हम लोग को खेलने को मिलता है, तो आगे जाके 10-15 साल का बच्चा भी ये गेम खेल सकता है। सातवां साल है और कम से कम हम लोग तो डिसाइड किया और अनाउंस किया है 11 साल सुप्रीमो चषक हम लोग करते रहेंगे और भगवान ने चाहा और लोगों ने मुंबई के लोगों ने साथ दी तो मुझे लगता है 11 साल के बदले में हम जब तक जिंदे हैं तब तक और शिवसेना जब तक चाहती है तब तक ये टूर्नामेंट होगा। देखिए टेनिस टूर्नामेंट है, टेनिस टूर्नामेंट है बेसिक है क्रिकेट का। यहाँ पर खेलने वाले बच्चे लोग जो है बहुत बड़े क्रिकेट खेल चुके हैं। हमारा प्रवीण तांबे है, प्योरली ये टेनिस क्रिकेट खेलने वाला लड़का है, वो आज IPL खेल रहे हैं, रणजी खेला हुआ है। ऐसे बहुत सारे संदीप पाटिल है, चंद्रकांत पंडित है, प्रवीण आमरे है, ऐसे बहुत सारे इंडिया के प्लेयर्स जो है वो पहले टेनिस ही क्रिकेट खेलते थे और टेनिस के बाद में उनका खेल सुधारने के बाद में इंडिया के खेलने लगे। मैं ये कहूंगा सुप्रीमो का मतलब है ये सब दुनिया के बादशाह
जिनको शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी कहते थे, तो उनके नाम से सुप्रीमो के नाम से शिवसेना प्रमुख जिनके जन्मदिन के अवसर पर ये सुप्रीमो चालू किया था हमारे संजय जी ने, पुतनीत जी ने। मेरे ख्याल से दुनिया में ये पहला सुप्रीमो ऐसा होगा कि सारे देश के खिलाड़ी यहाँ पे आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, मौज लेते हैं, आनंद लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले टीम में जाके खेलते हैं, देश विदेश में जाके खेलते हैं, उनको प्रोत्साहन देने का काम यहाँ पे हमारे जो संजय जी है, पुतनीत जी है, वो देते हैं। हमें नाज है उनके ऊपर, बहुत सारे हमारे विधायक है महाराष्ट्र में, लेकिन पहले ऐसे है, एक ही ऐसे है जो शिवसेना प्रमुख जी के नाम पे शान में ये सुप्रीमो यहाँ पे अखा दुनिया को दिखाते हैं। आज भी एक खेल जो है सौ देश देखता है, तो मैं उनको दिल से बधाई दूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा, यही कहूंगा आगे चलो, आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। और ऐसे हजारों संजय पुतनीत होना चाहिए, यही मैं कहूंगा। यहाँ पे देखा जा रहा है कि अब यहाँ पर प्रतिकार करती हुई नजर आ रही है चौथे ओवर में अयुब शेख। शिवसेना का टूर्नामेंट है और शिवसेना में विभाग प्रमुख है और आमदार हूँ, तो यहाँ पर शिवसेना के लोग ज्यादा आएंगे। और जो खेल चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं या कोई भी खेल जो चाहते हैं, क्रिकेट या कोई स्पोर्ट्स, वो ये मैदान पे जरूर आएंगे। पिछले छह साल से ये मैच चल रहा है, दो वर्ष शुभकामनाएं देना चाहिए, आगे और कितने सालों तक? नहीं नहीं, ये सालों तक चलेगा, सौ साल चलेगा, खुद से खुददारी, जब तक संजय जी है उनके पीछे उनके सैनिक है, ये तो चलते रहेगा। अगर आज तो यहाँ पे एक गैलरी आप देखते हैं, सभी गैलरी फुल हुई है, बैठने के लिए भी जगह नहीं, तो दिन पे दिन सालों साल ये नजारा आपको बढ़ते देखेगा। नहीं, ये तो शिवसेना प्रमुख जी के नाम पे है, और मेरे ख्याल से देश में ये पहला ऐसा एक खेल देखने मिलता है, तो हम तो खुद को तकदीर वाले समझते हैं, नसीबवान समझते हैं कि संजय जी हमें ये मौका देते हैं यहाँ आने का। धन्यवाद। आल्यानंतर आयपीएलची मॅच जशी होते तशाच प्रकारचं उत्कृष्ट नियोजन या ठिकाणी पाहायला मिळतंय। सुप्रीमो चषक गेले 7 वर्षापासून या ठिकाणी आयोजित केला जातोय। आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून याचं नियोजन झालंय, आणि खुद्द आदरणीय शिवसेना प्रमुख देखील या ठिकाणी येऊन गेलेत, आणि म्हणून हे याचं वैशिष्ट्य आहे। हा सामना, त्याचं उत्कृष्ट नियोजन, देशभरातून आलेल्या सगळ्या टीम यांचं देखील मनापासून मी स्वागत करतो। त्याचबरोबर हा सामना जो आहे सुप्रीमो चषक जगभरामध्ये या ठिकाणी दिसतो आहे, 198 देशामध्ये याचं थेट प्रक्षेपण होतं आहे, आणि सुप्रीमो चषक आणि शिवसेना जगभरात पोचवण्याचं काम आमदार अनिल परब आणि आमदार संजय पोतनीस आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी केलं आहे, त्याबद्दल मी त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, मनापासून शुभेच्छा देतो, सर्व टीमचं मनापासून स्वागत करतो। गेले 7 वर्ष शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून सुप्रीमो चषक स्पर्धा ही आम्ही आयोजित करतो आहे। आमच्यासाठी हा उत्सव आहे आणि शिवसेना प्रमुख हे आमचं दैवत आहे, त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने टेनिस जगतामधल्या या खेळाला उंचात उंच दर्जावरती नेण्याचं काम आम्ही प्रयत्न करतो आहे। आणि आज तुम्ही बघताय की साधारण रणजी क्रिकेटला जेवढी गर्दी असते त्याच्यापेक्षा जास्तही गर्दी या सामन्यानं आहे। मुंबईतलेच नव्हे तर देशातील सर्व चांगले टेनिसपटू या मैदानावर खेळतात, आणि म्हणून शिवसेनेच्या माध्यमातून आम्ही हा प्रयत्न करतो आहे की या खेळात खेळणारे सगळे जे खेळाडू आहेत त्यांना एक अतिशय चांगलं दर्जेदार व्यासपीठ द्यावं,
ते व्यासपीठ हे आहे आणि मला असं पूर्ण विश्वास आहे की ही स्पर्धा जो ब्रँड तयार झाला आहे सुप्रीमो नावाचा ही पूर्ण जगभर गाजेल. सध्या आय पी एलचा मौसम चालू आहे आणि हे टेनिसचं आय पी एल आहे असं आम्ही समजतो. खरं म्हणजे सुप्रीमो चषक स्पर्धा ज्या आहेत खरं म्हणजे माननीय बाळासाहेबांचा आवडता म्हणजे क्रिकेट आणि म्हणून त्यांच्या त्या वाढीचं औचित्य साधून ही स्पर्धा चालू केली. आणि स्पर्धा चालू करणं सोपं असतं पण ती सातत्यता ठेवणं हे काम फक्त अनिल परब आणि संजय पोतनीस हेच करू शकतात याचं या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. सुंदर नियोजन, सुंदर एकंदरीत वातावरण आणि ह्या स्पर्धेला एक वेगळं अंग आहे की जगामध्ये संपूर्ण ही मॅच आज पाहिली जाते. आय पी एल चालू आहेत, टेस्ट चालू असतील पण त्याहीपेक्षा ही स्पर्धा ही आमच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण दोन्ही आमदार या स्पर्धेला चांगल्या प्रकारे नियोजनबद्ध दिलेली नियोजनबद्धता आखलेली स्पर्धा आहे आणि बघितल्यानंतर वाटतं की खरी आय पी एल आहे, इथली स्पर्धा ही वन डे आहे अशा प्रकारे सातत्याने या ठिकाणी जाणवतं. आणि मी स्वतः या ठिकाणी भेट द्यायला आहे. सुप्रीमो चषकाला माझ्या शुभेच्छा आहेत. ही स्पर्धा वर्षोनुवर्षो अशीच चालू राहो अशी माझ्या सदिच्छा आहे.